50 साल बाद ऐसा होगा बिग बॉस। सिद्धार्थ को छोड़ कार्तिक गौतम से फ्लर्ट करती दिखी शहनाज। बिग बॉस 13 दर्शकों की पसंद बना हुआ है। शो में दिखाए गए ऐसे कई पल हैं जो यादगार हैं। अभिनेता कार्तिक आर्यन और गौतम गुलाटी जब पहुंचे तो शहनाज गिल की एक साठ मिनट देखते ही बनती थी। अब घर के सदस्यों ने इसी पल को रिक्रिएट किया, लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान सलमान खान एक मजेदार टास्क देते हैं, जिसे सिद्धार्थ शुक्ला, पारस छाबड़ा और शहनाज गिल को मिलकर करना होता है। सामने आए एक प्रोमो वीडियो में सलमान कहते हैं कि अगर शो 50 साल 61 हो जाता है तो आप दोनों गौतम गुलाटी और कार्तिक आर्यन बनकर शहनाज के साथ कैसे रहेंगे। टास्क में सिद्धार्थ को गौतम गुलाटी और पारस को कार्तिक आर्यन बनना होता है। इस दौरान शहनाज सिद्धार्थ और पारस के साथ फनी अंदाज में फ्लर्ट करती हैं। तीनों व्हाइट बालों की विग पहनकर बूढ़े बनकर मिमिक्री करते हैं। सिद्धार्थ, पारस और शहनाज का ये अवतार देखकर सलमान समेत सभी घर वाले हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। शनिवार को शिल्पा शेट्टी घर के अंदर आई थी। शिल्पा ने घर वालों से योगा करवाया। योगा क्लासेस में सभी घर वाले मस्ती के मूड में नजर आए। शिल्पा आज भी बिग बॉस में पहुंचेंगी। आज वो सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करेंगी। बिग बॉस में शिल्पा अपनी आने वाली फिल्म निकम्मे का प्रमोशन करने पहुंची हैं। आज अदनान सामी भी बिग बॉस 13 के मंच पर नजर आएंगे। वो परिवार के साथ पहुंचेंगे और सलमान के साथ मस्ती करते देखेंगे। अदनान अपने नए एल्बम का प्रमोशन करेंगे। उन्होंने बिग बॉस के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनके साथ पत्नी रोया सामी खान और बेटी मदीना भी नजर आ रहे हैं। अदनान ने बेटी को गोद में ले रखा है। उनके परिवार के साथ सलमान खान भी खड़े होकर पोज दे रहे हैं।